स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल APS Infotech पे। दोस्तों आप सभी ने इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं ये जरूर देखा होगा और इसे देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये है क्या और इसे कहाँ लगाया जाता है और इसका क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इसकी फुल डिटेल बताऊंगा कि आखिर ये क्या है, इसे क्यों लगाया जाता है, उसके क्या फायदे हैं और इसकी वर्किंग क्या है। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो पे आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों जो ये आप देख रहे हैं ये है VFD और इसका फुल फॉर्म है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव और इसका उपयोग एसी मोटर को ड्राइव कराने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी का सवाल है कि एसी मोटर को तो हम ऐसे भी ड्राइव करा सकते हैं, ऐसे भी रन करा सकते हैं, तो हमें VFD की जरूरत क्या है। तो दोस्तों VFD से फायदा ये है कि VFD की सहायता से हम एसी मोटर को अपनी मनचाही फ्रीक्वेंसी यानी कि मनचाही स्पीड से चला सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करके हम उसे मनचाही स्पीड से चला सकते हैं यानी कि उसकी RPM को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के हिसाब से हम अगर समझें कि अगर ये मोटर है और इसकी RPM 1000 RPM है तो इस मोटर को जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये 1000 पर ही चलेगी, लेकिन VFD की सहायता से हम इसकी स्पीड को कम यानी कि 600, 700, 200 या 100 की RPM से भी इसको चला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब VFD के बारे में समझते हैं कि VFD वर्क कैसे करती है। तो VFD को अगर वर्किंग समझे तो VFD की वर्किंग को समझने के लिए इसको समझना पड़ेगा। जो VFD है VFD तीन पार्ट में होती है। तो इसका फर्स्ट पार्ट होता है, वो फर्स्ट पार्ट जो है इसका रेक्टिफायर पार्ट है, दूसरा है वो है फिल्टर और तीसरा है इन्वर्टर। यानी कि जैसे ही हम VFD पे थ्री फेज AC सप्लाई देते हैं तो जो इसके अंदर हम देखेंगे रेक्टिफायर सर्किट लगे होते हैं जो कि हमारी AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखें तो फिल्टर सेक्शन आता है, वो फिल्टर हमारी जो हमने AC से DC में कन्वर्ट किया है रेक्टिफायर सर्किट के थ्रू, उसको फिल्टर करके प्योर डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा जो हमारा इन्वर्टर है वो फिर से हमारी DC को AC में कन्वर्ट करता है। और तो दोस्तों आप सभी का सवाल है कि अगर हमें AC से फिर से ही आउटपुट पे AC मिल रही है तो हमें बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों जो हमें इनपुट मिलता है यानी कि जो इनपुट AC होती है वो होती है फिक्स फ्रीक्वेंसी वाली AC, और जो अभी हम वेरिएबल के थ्रू जब हम इसको आउटपुट को AC को लेते हैं तो वह आप यहाँ देखेंगे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली हमें DC प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी अलग अलग मिल जाती है, तो इस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके हम AC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों VFD के लगाने के फायदे क्या हैं, तो VFD हम मोटर को ऑटोमेटिक स्टार्ट करने के लिए काम में लेते हैं। उसके अलावा दूसरा जो है हम VFD की सहायता से मोटर की जो उसकी घूमने की स्पीड है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा उसको रिवर्स भी चला सकते हैं, उसके लिए आपको कनेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कमांड देकर उसकी स्पीड को बदल सकते हैं, उसको रिवर्स में भी चला सकते हैं। तो VFD के ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं। इसके अलावा इसके कुछ फायदे और नुकसान हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।